कानपुर से दो प्रधानाचार्यों में कुर्सी पाने को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कहने और सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत है। जहां एक प्रधानाचार्य को अपनी कुर्सी से इतना मोह हो गया कि ट्रांसफर होने के बाद भी वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि कुर्सी बचाने के लिए प्रधानाचार्य हाईकोर्ट तक चले गए और स्टे ले आए। लेकिन विवाद तो तब खड़ा हो गया जब ट्रांसफर होकर आए प्रधानाचार्य भी हाईकोर्ट चले गए। अब कोर्ट ने दोनों के ट्रांसफर को लेकर शासन को इन ट्रांसफर को लेकर फिर से विचार विमर्श करने को लिखा है। कहते हैं कि कुर्सी का स्वाद जो चख ले वो फिर उस स्वाद को बार बार चखना चाहता है, और जब वो कुर्सी मन मुताबिक हो तो फिर क्या कहना। ऐसा ही मामला कानपुर ITI से आया है, जहां दो प्रधानाचार्य में कुर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पूरा मामला पांडु नगर स्थित ITI का है, जहां 30 जून 2024 को शासन के आदेश पर ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें लखनऊ से कानपुर ITI पांडु नगर कॉलेज में डॉक्टर अमित पटेल की तैनाती की गई थी, जहां उन्होंने 1 जुलाई को पदभार भी ग्रहण किया। 1 महीने तक सब सही रहा। इसी सिलसिले में JMD न्यूज संवाददाता सुब्रत गुप्ता ने वर्तमान प्रधानाचार्य से पूरे मामले की जानकारी ली और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 30 जून 2024 को जो वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत जो ट्रांसफर हुए थे, तो उसमें मुझे लखनऊ से पांडुनगर प्रधानाचार्य के पद पर स्थानांतरित करके भेजा गया था, और शासन के ऑर्डर से मैंने 1 जुलाई 2024 को जो पूर्व प्रधानाचार्य जी थे नरेश कुमार जी, उनसे चार्ज प्राप्त किया था, और तब से मैं कार्य यहाँ कर रहा था ऑफिस में। और 30 जुलाई को मैं अवकाश पर गया हुआ था, तो उसी बीच में जो प्रिंसिपल साहब थे उनका फ़ोन आया कि उनको स्टे मिल गया है और इस पद पे। तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने जो है उस पद को ज्वाइन किया, एक पक्षी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं था भी नहीं और चार्ज मैं दे भी नहीं सकता था, मेरे पास ऑर्डर नहीं था शासन से चार्ज देने का। और उसके बाद फिर डबल बेंच में मैंने अपील की थी उस स्टे के अगेंस्ट, तो वो स्टे अब कैंसिल हो गया है, और ये शासन को ये अधिकार दिया, विभाग को दिया, दे दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि किसका प्रत्यावेदन कहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। सर आपस में कोई विवाद की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ। क्या नाम है सर? मेरा अमित कुमार पटेल, प्रधानाचार्य पांडुनगर ITI। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेश से JMD न्यूज संवाददाता सुमित गुप्ता ने मामले को लेकर जानना चाहा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, जैसा कि मेरा ट्रांसफर हुआ था लखनऊ, और जो नियम विपरीत था तो मैं कोर्ट गया था, माननीय न्यायालय ने मेरे को आदेशित किया कि जो ऑर्डर है वो स्टे किया जाता है और एज ए प्रधानाचार्य आप वहाँ पर रहेंगे जब तक आपका टेन्योर 3 साल नहीं हो जाता या फिर उच्च स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। तो उस स्टे के अनुपालन में मैंने यहाँ पर 1 अगस्त को ज्वाइन किया और अभी तक मैं उस पद पर काम कर रहा हूँ। अब ये तो प्रशासन का मैटर है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अभी जो कोर्ट से आदेश मिला है, क्या क्या कुछ आदेश मिला है? अभी मेरे पास तो कोई ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। तो सर ये स्थिति कहाँ से आई कि कुर्सी को लेकर लड़ाई होने लगी और आपको लखनऊ गए, लखनऊ से आप यहाँ पे आए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे को 2 साल नहीं हुए और मेरे पिताजी का यहाँ पे 89 उनकी उम्र है, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है, इसलिए मैंने प्रतिवेदन पहले शासन को भी दिया था, लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन फिर मैं माननीय न्यायालय गया, वहाँ से मेरे को स्टे मिला और यहाँ पे काम करने की अनुमति मिली। तो क्या आपस में कोई विवाद की स्थिति? नहीं, हमारे आपस में विवाद की स्थिति नहीं, हम दोनों बैठे हुए यहाँ पे, ऐसा कोई विवाद नहीं है। अब वो जो भी उच्च स्तर से आदेश पारित होंगे हम दोनों को मान होंगे। आपको बता दें कि इस मामले में अन्य शिक्षक कुछ नहीं बोल रहे हैं और कॉलेज में विवाद का माहौल बना हुआ है। पूर्व प्रधानाचार्य के पद पर कानपुर से लखनऊ ट्रांसफर होने के बाद भी दोबारा कुर्सी पाने की वजह से अपने पिताजी की बीमारी और कार्यकाल पूरा नहीं होना बता रहे हैं, लेकिन ये दो प्रधानाचार्य की लड़ाई में शिक्षक और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। JMD न्यूज के लिए कानपुर से सुमित गुप्ता के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।